चल रहा है कि मैं रूम में जाता हूँ शानी को ढूंढने के लिए और वहाँ पे रिंग गिरा हुआ देखता हूँ, तो मैं बड़ा अपसेट हो जाता हूँ कि मैंने शानी को अभी ये रिंग पहनाया था जो कि रितिका ने दिया था और ये कहा था कि उस पर दो बर्ड्स हैं, उनका मतलब ये है कि कभी एक दूसरे से जुदा नहीं होंगे अगर कोई इसे पहने रखे तो। तो मैं उसे ये रिंग मैं शानी को पहनाता हूँ एंड व्हेन आई गो इनटू द रूम एंड आई सी कि वो रिंग गिरी हुई है तो मुझे बहुत ख़राब लगता है कि शानी ने शायद उसे निकाल के फेंक दिया हो। फिर मुझे ये भी लगता है कि हो सकता है कि उसके उसको फिट ना आई हो इसलिए गिर गई हो, लेकिन जिस दिन मतलब खुद उसे पहनने के लिए ढूंढेगी तो डेफिनेटली उसे फिट आएगी करके मैं निकल जाता हूँ एंड देन आई बम्प इनटू शानी एंड देन वो फ्रेंटिकली वो रूम में आ रही होती है रिंग ढूंढने के लिए। सो आई फील वेरी नाइस कि वाओ मतलब यू नो कि जो लड़की मुझसे प्यार नहीं करती वो रिंग के लिए इतना डेस्परेट हो रही है, मतलब कहीं ना कहीं उसको मतलब मेरे लिए फीलिंग्स डेवलप हो रही है। सो दिस इज व्हाट द सीन इज अबाउट। वो संस्कारी है तो वो इस चीज़ में मानती है कि मतलब भले वो उसको मुझसे प्यार नहीं है लेकिन हाँ वो जो शादी के जो वो होते हैं क्या वो रूल्स होते हैं या जो रिचुअल्स होते हैं वो उन्हें तोड़ना नहीं चाहती। वो जैसे फाल्गुनी ने उन्हें बताया भी है कि तुम्हें अपने पति की रिस्पेक्ट करनी है, तो वो उस लिहाज से वो ये चाहती कि ठीक है मैं इसे प्यार नहीं करती लेकिन मैं अपना रिश्ता निभाऊंगी कैसे भी करके, भले मैं इसे प्यार ना करूँ ज़िंदगी भर। चिराग तो उसको वैसे ही छोड़ के चला गया तो अभी उसकी लाइफ में और कोई है नहीं, मैं उसका इकलौता फ्रेंड था तो वी आर जस्ट ट्राइंग टू बी फ्रेंड्स एंड ट्राइंग टू यू नो स्ट्राइक दैट कॉर्ड अगेन दैट वी हैड बिफोर। रणवीर कितनी कोशिश करेंगे ईशानी को कंफर्टेबल बनाने की? वो तो शुरू से यही कर रहा है, कपड़े भी दिलाता है फिर और हर चीज़ में कंफर्टेबल रखने की कोशिश करता है, तो कोशिश तो उसकी हमेशा ही जारी रहेगी। तो बचपन से उसे प्यार करता आ रहा है और हर जगह पे वो कोशिश करता रहेगा कि वो उसे प्यार दिखाए और वो उसे उसके और करीब ला सके। टेलीविजन की ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए टेलीविजन वाला को अभी इसी वक्त।